राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आज इस गांव में जो है एक सामाजिक जागरूक करने के लिए जो है हम लोगों ने करीब वैसे तो 2 साल से चलाया हुआ है, लेकिन 1 जनवरी से जो है हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये जागरूक अभियान चलाया है। तो हम गांव-गांव में जाके समाज के बीच में जाते हैं और जागरूक करते हैं, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो इसी बात को लेकर जो है आज मोरना विधानसभा के ये जो हमारा भुआपुर गांव है, इसमें जो समाज के लोग हैं सामाजिक रूप से इकट्ठा हुए हैं, सभी समाज के भाई हैं। तो अब आपस में विचार विमर्श होगा और हमारा जो पर्पस है ये गैदरिंग का, वो हमेशा ये है कि समाज को देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जो है जागरूक करें, और जो लोग जागरूक हो जाएं उनको जो है अपने मिशन में जोड़ें। आप ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हैं, तो किसानों की आंदोलन को लेकर दिल्ली में पिछले 40-45 दिन से किसान डटे हुए हैं, तो सरकार के बारे में आप क्या कहना है, ये जो 3 कानून बनाए गए? जी देखिए, इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि हम तो खुद ही किसान परिवार के हैं, तो किसानों के साथ हैं, और ये जो समस्या है ये सिर्फ किसानों की नहीं है, काफ़ी लोगों को हो सकता है यहाँ पर भी मालूम ना हो। और हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का तो ये कहना है कि अगर आप MSP तय करते हैं तो MSP के साथ जो है MRP भी तय होनी चाहिए, क्योंकि इस काले कानून में जो स्टोरेज सिस्टम है उसकी जो लिमिट है वो ख़त्म कर दी है कि कोई भी व्यापारी कितना भी स्टोरेज कर सकता है फसल को लेकर। तो इससे कालाबाजारी होने का खतरा है, खतरा नहीं है, कालाबाजारी करने के लिए ही कानून बनाया है ये। तो इसलिए इसमें अगर MRP तय हो जाएगी, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी MRP ना हो, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये माइक है, ये पानी की बोतल है, ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, सब पर MRP लिखा रहता है, यानी कि इससे ज़्यादा इसको रेट पर नहीं बेच सकते। तो जो किसान के द्वारा जो उत्पादित जो चीज़ें हैं अगर उसकी जो है MRP तय हो जाएगी तो इससे किसान को भी फायदा होगा, और एक जो 130 करोड़ की जो हमारे देश की जनता है उसको भी जो है कालाबाजारी से छुटकारा मिलेगा और उससे पूरी जनता का भी फायदा होगा। सर, धरने के दौरान करीब 70 किसान प्राण त्याग चुके हैं, सरकार आंखें नहीं खोल रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो साथी हैं किसान जो है, जो देश को जो है अन्नदाता है जो देश का, वो अपने न्याय के लिए अगर प्राण उनको त्यागना पड़ रहा है तो ये देश के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो है अभी स्टे लगा दिया है, लेकिन स्टे लगा दिया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो कमेटी में जो 4 सदस्य रखे वो अगर किसानों की सहमति के बाद रखे जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपकी पार्टी क्या सरकार का विरोध करेगी, ये गलत निर्णय जो लिए जा रहे हैं? हमारी पार्टी का तो इसमें एकदम क्लियर स्टैंड है कि MSP के साथ साथ MRP भी तय की जाए जिससे कालाबाजारी ना हो। अगर कालाबाजारी करने की छूट दी गई तो इसका जो परिणाम है वो देश की 130 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ अंडानी अंबानी जैसे जो बड़े व्यापारी हैं वही लोग जो है पैसा बनाएंगे, और देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए हमारी पार्टी तो शुरू से ही इसके विरोध में ही है, और जो भी देशभक्त आदमी होगा वो इसका विरोध ही करेगा, क्योंकि ये किसानों के साथ साथ देश के हर नागरिक के जो है ये कानून जो है खिलाफ है। इतिहास में अगर जाएं तो पृथ्वीराज चौहान को मान्यता मिलती है आपके समाज में जी, और हाल के समय में आप को युवा पदारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। क्षेत्र कमेटी गुआपुर के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता आपका सहदिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, ऐसा हम सब ग्रामवासी एवं क्षेत्र कमेटी गुआपुर का मानना है। हम आपका हार्दिक ईश्वर आपको अपने कार्य में सफलता दिला। भाई साहब अब आप बोल दो थोड़ा सा, फिर हम भी काम करके चले जाएंगे, दूसरी जगह जाना। अब 2 मिनट आप
भाई नहीं नहीं थोड़ा नीचे उठो खोल जाओ नीचे उठो खोल दीजिए जिंदाबाद हर जगह दिखला उठो जिंदाबाद क्या भवानी चलो जी पगड़ी पास लगाओ पगड़ी पा ऐसा जी भाई से सिंह राणा जिंदाबाद भाई से सिंह राणा जिंदाबाद जय भवानी अब एक काम करो सर नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ